IDBI बैंक में वैकेंसीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट स्टॉक्स पर। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा जैसे वीडियो अपलोड होगी। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं, जो IDBI बैंक में वैकेंसीज आई हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या पोस्ट रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, जो एडवर्टीजमेंट आया है, जो आज आया है एडवर्टीजमेंट, और इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो जाएगी, यानी इसकी जो स्टार्टिंग डेट है मतलब इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, वो कल यानी 6 तारीख से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 6 फरवरी से लेकर लास्ट जो डेट है इसकी 28 फरवरी 2018 तक। तो 28 फरवरी 2018 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आपके पास पूरा फरवरी है कल से लेकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बाकी जो एलिजिबिलिटी है, क्या पोस्ट रहेगी, सबके बारे में बात कर लेते हैं। जो पोस्ट रहेगी जो दोस्तों एग्जीक्यूटिव की रहेगी, बैंक एग्जीक्यूटिव की आपकी पोस्ट रहेगी जो, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो एक आप ग्रेजुएट होना चाहिए और मिनिमम आप 60% मार्क्स होना चाहिए, और PWD SC और ST कैटेगरीज में 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। एज की बात कर लेते तो मिनिमम आपकी 20 साल और मैक्सिमम 25 साल, तो 20 से 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एग्ज़ाम की अगर बात कर लेते दोस्तों, एग्ज़ाम होना है इसका रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा 28 अप्रैल 2018 को इसका एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों ये डेट फ्लेक्सिबल है, आगे भी बढ़ सकती है। वैकेंसीज़ की बात कर लेते तो 760 की वैकेंसीज़ हैं दोस्तों टोटल, और वैकेंसीज़ भी फ्लेक्सिबल हैं, इसकी आगे भी बढ़ सकती है वैकेंसी, मतलब 1000 के लगभग भी हो सकते हैं और इससे थोड़े कम भी हो सकते हैं। और जो रिजल्ट की बात कर लेते दोस्तों SC के लिए 122 वैकेंसी SC के लिए है, ST की 56 वैकेंसी हैं, OBC की 202 वैकेंसी OBC के लिए हैं। बाकी PWD में ये VH में 13 है, OH में 18 है और HH में 56 है, ये PWD की सब कैटेगरीज हैं दोस्तों। बाकी सभी वैकेंसी जनरल के लिए हैं। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं, जो इसमें बाकी इंपॉर्टेंट डेट जो रहेंगी वो कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों एज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, 1 जनवरी 2018 से आपकी डेट जो है कंसिडर की जाएगी, जो एज का क्राइटेरिया रहेगा वो 1 जनवरी 2018 से कंसिडर किया जाएगा। और वहीं इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट जैसे आपको मैं बता चुकी, 6 फरवरी 2018 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 28 फरवरी 2018 तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। और दोस्तों जो SC ST एप्लीकेंट्स जो रहेंगे उन लोगों को प्री ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों। जो SC ST OBC जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को एक काफ़ी अच्छा अवसर है, 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक सभी जो ट्रेनिंग सेंटर्स रहेंगे प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाएगी इन लोग को, सिर्फ SC ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए। ये आपको सभी सेंटर्स पर प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों, ये आप कम्युनिकेशन के थ्रू बाद में पता कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन टेस्ट की डेट है मैं आपको बता चुका हूँ, 28 अप्रैल 2018 रहेगी। चलिए दोस्तों जो इसका पे स्केल जो रहेगा 17,000 रहेगा, फिर 18,500 रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसमें आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तीन साल की आपकी सर्विस रहेगी, और आपके अच्छे देखते हुए सर्विस को, अगर अच्छा आपकी सर्विस रही तो आपको असिस्टेंट मैनेजर के रूप में बना दिया जाएगा 3 साल के बाद। और दोस्तों इसकी जो जो पेमेंट रहेगी आपकी 17,000 फर्स्ट साल रहेगी, 18,500 सेकेंड साल रहेगी और 20,000 थर्ड साल रहेगी। तो दोस्तों ये सभी आपकी पेमेंट रहेंगी, उसका TA DA वो अलग से रहेगा। तो चलिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेंगे, तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। बाकी एज की अगर मैं बात करूँ तो एज 1 जनवरी 1993 से लेकर आपकी 1 जनवरी 1998 के बीच अगर आप हैं तो, और इन दोनों को डेट को भी इंक्लूसिव किया गया है, तो यानी इन दोनों डेट के अंदर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट में SC ST के लिए दोस्तों 5 ईयर का है, मतलब 5 साल आप ऊपर भर सकते हैं इस फॉर्म को, और OBC में 3 साल का है, उसमें सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर में जो कैंडिडेट्स आते हैं उन लोग के लिए है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो उनके लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। और दोस्तों जो अलग जम्मू कश्मीर के जो पर्सनस हैं जो उन लोग की 5 साल के रहेगा, और पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 के जो रियोड से अफेक्ट हुए थे पर्सन उनके लिए भी 5 साल का रहेगा। तो दोस्तों ये सभी एज का रिलैक्सेशन रहेगा। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, और आप ग्रेजुएट जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और दूसरी जो क्वालिफिकेशन की बात कर, मतलब वही क्वालिफिकेशन है लेकिन फाइनल ईयर में जो लोग हैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में जो लोग हैं अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
आप 28 फरवरी 2018 तक ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो प्री रिक्वायरमेंट मेडिकल टेस्ट जो होगा आपको, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो सभी लाना पड़ेगा और पूरे प्रूफ के साथ लाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए आपको 28 फरवरी तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। और दोस्तों जो जब भी आपको बुलाया जाएगा, तो अगर आपके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के हेड यूनिवर्सिटी से साइंड होना चाहिए, या फिर आपके कॉलेज से जो सबसे सीनियर पर्सन रहेगा यानी डायरेक्टर, उसे साइन होने चाहिए, तभी ये वैलिड मानी जाएगी। और दोस्तों जो कन्वर्जन है आपको सीधा बताना पड़ेगा किस तरह से कन्वर्जन होता है, जो परसेंटेज है उसका। दोस्तों ये सभी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी हैं। और इसके अलावा जो फीस रहेगी 150 150 रुपये SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपये रहेगी, और बाकी सभी के लिए 700 रुपये रहेगी, 700 फॉर ऑल। तो दोस्तों ये सभी पेमेंट आपका रहेगा। तो इसमें आप 6 फरवरी यानी कल से 28 फरवरी तक आप इस फॉर्म मतलब इस फॉर्म को भर सकते हो, पेमेंट के लिए भी सेम डेट से रहेगी दोस्तों। और जो आपकी फ़ीस है वो रिफंडेबल बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और जो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है इसके लिए दोस्तों, ये सभी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई भी डिटेल्स आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो या आपको सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मैंने आपको बता ही दिया ये सभी डिटेल्स। इसके अलावा किसी भी डिटेल में आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और किसी भी तरह का डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।